जहानाबाद संस्कृत शिक्षक संघ के द्वारा जहानाबाद जिला कार्यक्रम प्राधिकारी निशांत गुंजन को सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन कर विदाई दिया गया। उक्त अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित शिक्षक सह शिक्षाविद डॉक्टर एस के सुनील ने कहा कि निशांत गुंजन एक बहुत ही शानदार और नेक प्राधिकारी थे। इनके कार्यकाल में सभी शिक्षण संस्थानों को जहां लाभ मिला है, तो वहीं संस्कृत शिक्षकों को भी अपूर्णीय सहयोग मिला है। निशांत गुंजन ने भी जाते हुए अपनी भाव को व्यक्त करते हुए कहा कि जहानाबाद और जहानाबाद के शिक्षक काफी अच्छे हैं। जहानाबाद में हम हर बार आना चाहेंगे और नहीं भी मिला तो हम प्रयास करेंगे कि कम से कम एक बार जहानाबाद और आए, क्योंकि यहाँ के लोग जो प्रेम और आशीर्वाद दिए हैं उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इस सम्मान समारोह के अवसर पर मध्याह्न भोजन के पदाधिकारी प्रियंका कुमारी, जहानाबाद संस्कृत शिक्षक के अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र कुमार, सचिव डॉक्टर अनिल कुमार, आचार्य अमरेश कुमार, आचार्य नारायण निराला, सुधांशु मिश्रा, बिट्टू कुमार सहित दर्जनों शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। विदाई समारोह का शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ किया गया एवं पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। सर, अब आप जहानाबाद से जा रहे हैं, जहानाबाद आपका कार्यकाल बहुत सफल माना गया, आप जहानाबाद में क्या ऐसा चीज छोड़ के जा रहे हैं जिसकी वजह से आप भी मिस करेंगे, यहाँ के लोग भी मिस करेंगे आपको? यहाँ जितने भी शिक्षक बंधु हैं उनसे जो मेरा जुड़ा हुआ आत्मीय जुड़ा हुआ, उनसे जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया, मैंने भी वही सम्मान दिया। कोई भी टीचर आए कभी भी मिलने के लिए तो हमने मना नहीं किया कि मेरा ये टाइमिंग है, आप आइए मिलिए, अपनी समस्या को रखिए, निश्चित रूप से उसका मेरे तरफ से समाधान होगा। और लोगों का जुड़ाव और लोगों का प्यार, जहानाबादवासी का जो रहा इस मगध की धरती पर, वो हमेशा याद रहेगा। और मैं पुनः कोशिश करूँगा कि जरूर एक बार फिर से जहानाबाद। निशांत गुंजन जी जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है, इनका इतना अच्छा सराहनीय कार्यकाल रहा कि हम लोग प्रसन्न होकर जिला संस्कृत शिक्षक संघ के तत्वाधान में आज इनको हम लोग सम्मानित करने आए हैं। विदाई करने नहीं आए हैं, विदाई उसको किया जाता है जिसको नहीं आना है। हम लोग इनको विदा नहीं कर रहे हैं, इनको सम्मान देने आए हैं। भगवान इनको प्रसन्न रखे, दीर्घायु रखे और फिर जहानाबाद में जिला शिक्षा पदाधिकारी बनकर के जहानाबाद में आवे। हम लोग इनका और इनका बेहद सराहनीय कार्य के लिए हम लोग इनको भी बधाई देते हैं। और इतना ही कहेंगे कि सर हम लोग को भूलिएगा नहीं, फिर जहानाबाद वासियों के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के लिए, हमारे संस्कृत शिक्षकों के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हम तो कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, पत्रकार जगत से भी है, पत्रकारिता की ओर से भी आपको मैं बधाई देता हूँ, जिला हैंडबॉल संघ की ओर से भी बधाई देता हूँ, संस्कृत शिक्षकों की ओर से, माध्यमिक से, सभी लोगों की तरफ से आपको ये सम्मान के रूप में बधाई देते हुए आपको सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।